अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफिल की इतनी पाबंदी नहीं करते थे जितनी पाबंदी फजर की दो रकात की फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की ये दो रकातें दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से काम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का तीसरा मरहला खतरनाक हो सकता है। मरकजी हुकूमत चौकस है और एहतियाती इंतजाम मुकम्मल है। अद्वियात व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। जिला कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा इजलास में MPT अरविंद का बयान। रियासती हुकूमत 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम। अपने इंतखाबी वादे को पूरा न करने वाली हुकूमत को इख्तदार पर फायज रहने का कोई हक नहीं। BJYM का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। थोड़ी देर की बारिश से ही नशेबी इलाके के अलावा बोधन रोड पर पानी का भारी जखीरा। अहम तरीन मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक में भारी खलल। अवाम मुश्किलात का शिकार। मुस्तकिल हल ढूंढने ताहिर बिन हंदाम का हुक्काम से मुतालबा। SBI गन फाउंड्री में फायरिंग का वाकया। एक शख्स शदीद जख्मी। बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे पर फायर कर दिए। मजाक में एक संगीन वाकया पेश आया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में प्रगति भवन के इजलास हॉल में एक मीटिंग। जिला कलेक्टर MPD अरविंद के अलावा तमाम महकुमेजात के आला अहदेदार इस इजलास में शरीक। MPD अरविंद ने कहा कि कई एक अहम मसाइल व स्कीमात पर अमल आवारी के ताल्लुक से गौर खोज किया गया और कोरोना के तीसरे मरहले का सामना करने मोहतात रहने और चौकसी अख्तियार करने का मशवरा दिया गया। प्रगति भवन जिला कलेक्ट्रेट के इजलास हाल में एक अहम इजलास जिला कलेक्टर सीनारायण रेड्डी की निगरानी में मुनाकिद हुआ, जिसमें रुकने पार्लियामेंट DR अरविंद ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के अलावा दीगर महकुमेजात के सरबराह अहदेदार भी शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग मॉनिटरिंग कमेटी के उनवान से मुनक्किदा इस इजलास को दिशा का नाम दिया गया। इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए MPD अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाया गया। इस इजलास में इन स्कीमात पर अमल आवारी की सूरत हाल का जायजा लिया गया और आगे मजीद बेहतरी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इस इजलास में नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हाईवेज, सिविल सप्लाईज, ग्रामीण सड़क योजना के अलावा अखिलियती स्कूल्स की मरकजी हुकूमत के फंड से तामीर के अलावा दिगर अहम प्रोग्रामों पर गुफ्तगू की गई और लाहमल को खतियत दी गई। माधव नगर रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली सड़क पर ओवरब्रिज की तामीर के लिए फंड्स के हुसूल से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई और सड़क की तोसी के लिए अतराफ की अराजियों की निशानदही और उसके हुसूल के ताल्लुक से भी गौर खोज किया गया। MPD अरविंद ने कोरोना की पहली और दूसरी वबा के मौके पर जिला कलेक्टर और दीगर अहदेदारों के अलावा हेल्थ महकमे अहदेदारान बिलखसूस तिब्बी शोबे के अहदेदारान व मुलाजमीन की खिदमात की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इस वबा की रोकथाम के लिए जिम्मेदाराना खिदमात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा मंडला रहा है, लिहाजा इसके लिए चौकसी इख्तियार कर लेना जरूरी है। आगे खौफनाक सूरत हाल का खदशा है, मगर मरकजी हुकूमत ने इस तीसरी लहर से निमटने के लिए एहतियाती इकदाम कर लिए हैं। हर जिले में ऑक्सीजन और अद्वियात का भारी जखीरा किया गया है और साथ ही इजाफी बेडों के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तिब्बी अमले को मोहतात व चौकस रहने का मशवरा दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत आपको मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। दिशा मीटिंग लो अनेक विषया चर्चा जी नेशनल हेल्थ मिशन सिविल सप्लाई नेशनल हाईवे NREGS माइनॉरिटी स्कूल्स सेंट्रल फंड द्वारा ये माइनॉरिटी स्कूल्स कटो जरूर दाने प्रोग्रेस प्लस ग्रामीण सड़क योजना इवन सुदीर्घ दिशा सवेश चर्चा जी प्रथम होने सारी दिशा सवेश अंशाल माधव नगर रेल ओवर ब्रिज गुरी दाने विषय में
लैंड एक्विजिशन की संबंधी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड एस्टिमेशन अभी कंप्लीट राष्ट्र प्रभुत्वा फंड्स रिलीज कोसम पंपिंचिनट्टु नदीपेट के एक लेबर कैंप में मुकीम 21 लेबर्स को कोरोना पॉजिटिव। मेडिकल ऑफिसर अजय कुमार ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है, हमने चौकसी अख्तियार कर ली है। इन मजदूरों की तादाद करीब 800 है जो जिला नलगंडा से ताल्लुक रखते हैं। इन तमाम की जांच की जाएगी। जिले में कोरोना की एक और दस्तक। नदीपेट मंडल मुस्तखर पर कोरोना के 21 नए मामले मंजर आम पर आए, जिससे जिला भर के तिब्बी हलकों में एक बार फिर तशवीश का माहौल बनता नजर आ रहा है और सख्त चौकसी की हिदायत जारी की गई। नदीपेट पीएससी के मेडिकल ऑफिसर अजय कुमार ने बताया कि नलगोंडा जिले सूर्या मंडल से ताल्लुक रखने वाले मजदूर मजदूरी की गर्ज से नदीपेट आए हैं और एक मुकाम पर उन्होंने क्याम किया है और मुख्तलिफ मुकामात पर काम किया। इन मजदूरों के ताल्लुक से मालूम हुआ कि ये जरई मजदूर है और इनको जरई कामों के लिए बुलाया गया। इन मजदूरों की तादाद करीब 800 बताई गई जो मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम दे रही है। बाज़ इत्तला पर नदीपेट पुलिस के हमरा पीएससी टीम ने इन मजदूरों का कोरोना टेस्ट किया, जिस पर ये तशवीशनाक सूरत हाल उभर कर सामने आई और इनमें से करीब 21 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी मजीद मजदूरों के टेस्ट करने बाकी है, लिहाजा पॉजिटिव अफराद की तादाद में इजाफे के खदशात भी मौजूद है। मेडिकल ऑफिसर अजय कुमार ने बताया कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है, अब तमाम मजदूरों के टेस्ट करने लाजमी है। साथ ही इस बात का भी जायजा लेना जरूरी है कि मजदूर कहां कहां काम कर रहे हैं और किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कितने लोग इनसे मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि अब मुतादित लोगों के टेस्ट करने जरूरी है ताकि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इन मुतासिर मरीजों को होम आइसोलेशन कर दिया गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो चौकसी अख्तियार करे और सख्ती के साथ मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती के साथ अमल आवारी करे और अपने हाथों को बार बार धोते रहे, क्योंकि सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। उन्होंने ज़रई मकासिद या दिगर कामों के लिए बाहर से मजदूर लाने वाले अफराद को इंतबा दिया कि वो इन मजदूरों का पहले कोरोना टेस्ट करवाए और उसके बाद ही इनसे काम ले, बस सूरत दिगर लेबर्स को मंगवाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। मन को मंडला मन नंदीपेट मंडला बैठ नीचे को लेबर्स अग्रिकल्चर वर्क सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट मन लेबर वर्क कोसम इकड़को सो वाल दर के कुछ सिम्टम्स उ फीवर का कुछ कोल्ड काफ अट्लांटे वाल रैंडम इनिशियल 8 रोज मैं टेस्ट जरिए दाँटो इधर की पॉजिटिव वो सो दाने तरवा नेक्स्ट मैं मन मंडल एक्जो एंतमंद ऐडेंटा सो विलेज वैज मे कैंप्स अभी कंडक्ट जरूर सो इप्ड वरुक मैं एक नीचे इप्ड वरकू दादापू वेलमल ऐलपूर् नंदीपेट हाफ आफ द प्लेस कवर चेसा। थोड़ी सी बारिश से ही बोधन रोड किसी झील का सा मंजर पेश कर रही है। अगर तूफानी तेज बारिश हो तो फिर सूरत हाल कितनी खौफनाक हो सकती है। अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की तशवीश। उन्होंने जिलाई और बल्दी हुकाम से ठोस मनसूबाबंदी के साथ इस मसले की एक्सवी करने का मुतालबा किया। सिर्फ एक घंटे की बारिश से ही निजामाबाद के नशेबी इलाके के साथ साथ बोधन रोड जैसी अहम सड़क पर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। शहर में अंडरग्राउंड के नाम पर नालियों की तामीर में रुकावटें पैदा की गई, जिसकी वजह से शहर में बारिश के पानी की निकासी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। बिलखसूस बोधन रोड जो शहर निजामाबाद की अहम तरीन सड़क है, जो तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली अहम सड़क है और इस सड़क पर ट्रैफिक का हजूम रहता है। इस सड़क पर महबूसवानी के से लेकर फिश फार्म तक सड़क पर पानी का बहुत बड़ा जखीरा जमा होता है और यह सड़क किसी झील का सा मंजर पेश करती है और ट्रैफिक आमोदरफ में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। इस सिलसिले में मारूफ कायद वो इंचार्ज अर्बन कांग्रेस निजामाबाद ताहिर बिन हमदान ने कहा कि शहर में पानी की निकासी की राहें मजदूत है, जिसकी वजह से पानी बस्तियों और सड़कों पर जखीरा हो रहा है। यह मसला कई सालों से दरपेश है, मगर हुकाम इस मसले की ठोस एक्सवी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात व दिक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कई नशेबी मकानों में पानी दाखिल होने और घरेलू सामान बर्बाद होने
होने की इत्तला हासिल हो रही है और सड़कों पर कई गाड़ियां बिलखसूस मोटरसाइकिलें खराब होने से अवाम को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ताहिर बिन हमदान ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल से मुतालबा किया कि वह फौरी इस मसले का जायजा ले और इस पानी की मौसर निकासी के लिए ठोस मनसूबाबंदी करे और इस मसले का हल निकाले। उन्होंने एमएलए बीकानेर गणेश गुप्ता से भी ख्वाहिश की कि वे सिलसिले में ओहदेदारों को ठोस इकदाम करने की हिदायत दे और आवाम को राहत फ्राहम करे। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि सिर्फ आधा घंटा या घंटा भर की बारिश में ये सूरत हाल है, तो फिर अगर मौसलाधार तेज रफ्तार बारिश हो तो फिर सूरत हाल कितनी खौफनाक हो सकती है। इस पर जिले हुकाम को गौर करने और ठोस इकदाम करने की जरूरत है। पानी की हालत ये है, आप देखिए निजामाबाद शहर के होदेदार खुसूसन बल्दिया के कमिश्नर जिला कलेक्टर साहब को मैं ये 2-3 मिनट का वीडियो चैनल के जरिए कलेक्टर साहब के नोटिस में लाना चाह रहा हूँ और यहाँ के जिम्मेदार लोग जो भी है उनके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। निज़ामाबाद की आवाम की तकलीफ, थोड़ा सा बारिश गिरने से, उस बारिश से कितनी तकलीफ हो रही, गाड़ियाँ डूब जा रहे, मकाना डूब जा रहे, मकानों में पानी आ रहा और इसका पुरसान हाल कोई भी नहीं है यहाँ पर। निज़ामाबाद शहर के आवाम की तकलीफ को मैं आपके ज़रिए ज़िला कलेक्टर साहब को, बल्दिया के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को, साथ ही साथ होदेदारों को सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका असली बुनियाद कहाँ है, इसको कैसा करना चाहिए सोचिए। ये एक दिन की बारिश, एक घंटे की बारिश में ही ये हालत है। अगर निज़ामाबाद शहर में भारी बारिश अगर हुई तो निज़ामाबाद के आवाम की हालत कैसी होगी, ये ज़रा सोचिए आप लोग। और मैं जनाब एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब से ये अर्जी करता हूँ कि आप ये आकर एमएलए साहब इस एरिए का दौरा कीजिए, यहाँ के आवाम की तकलीफ देखिए, यहाँ का हिसाब किताब देखिए क्या हो रहा सो है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके ज़रिए आप होदेदारों को क्या हिदायत करते, उसके बाद उसको कैसा करते आप सोचिए, लेकिन हमारी तकलीफ को समझिए। इस तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ पर जो भी मौजूद अब इस वक्त होदेदार है वहाँ पर पहुँचकर उसका आप जायजा लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फारिग किए गए नर्सों को फिर से खिदमत पर बहाल किया जाए, कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम की जाए, इनकी तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया जाए, सीआईटीयू के रियासती सदर भोपाल का हुकूमत से मुतालबा, तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन का एहतजाजी धरना, तिबी मुलाजमीन एहतजाज के 9 दिन मुकम्मल। जिला कलेक्ट्रेट के करीब वाक़ धरना चौक पर सीआईटीयू की क़यादत में तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि कॉन्ट्रैक्टेड आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाली नर्सों और मुलाजमीन को बाकायदा मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और इनकी तनख्वाहों पर पीआरसी पर अमल करते हुए 30% का इजाफा किया जाए और फारिग की गई नर्सों को फिर से मुलाजिमत पर बहाल कर दिया जाए। इस मौके पर सीआईटीयू के रियासती सदर भोपाल ने कहा कि आज रियासत तेलंगाना की 1640 नर्सों का मुस्तकबिल खतरे में है, जिनको अचानक ही हुकूमती अहकामात के मुताबिक खिदमत से फारिग कर दिया गया। भोपाल ने कहा कि पूरे मुल्क के साथ साथ तेलंगाना रियासत ने भी कोरोना के 2 खौफनाक मरहलों का सामना किया है। इन दोनों मरहलों में तिब्बी मुलाजमीन ने इंतहाई जुर्रत के साथ फर्श शनासी का मुजाहरा किया और कोरोना के मरीजों को इलाज फराहम किया, इसके बावजूद भी इनको खिदमत से हटा देना अफसोसनाक बात है। भोपाल ने कहा कि रियासत के तिब्बी शोबे में कई जायदादें मखलुआ हैं, इन जायदादों पर तखर्रात की शदीद ज़रूरत है, लिहाजा तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का इन मुखलाए जायदादों पर तखर्रुर अमल में लाया जाए। इस मौके पर एहतजाजी तिब्बी मुलाजमीन ने कहा कि हमने कोरोना के खौफनाक मरहलों में अपने अफराद ख़ानदान की फिक्र नहीं की, बल्कि पूरी जिम्मेदारी व फर्शनासी के साथ कोरोना के मरीजों को इलाज फराहम किया। इसके सिले में रियासती हुकूमत ने अचानक ही हमें खिदमत से फारिग कर दिया और हमारे मुस्तकबिल के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। हमने मुस्तकिल मुलाजमत की उम्मीद में खतरात का सामना किया था, मगर हमें अचानक ही सड़क पर लाया गया।
आज रियासत भर में 1640 मुलाजमीन रोड पर आ चुके हैं। हुकूमत इनके साथ इंसाफ करना होगा। बसूरत दिगर एहतजाज में मजीद शिदत लाई जाएगी। वाज़ह रहे कि तिबी मुलाजमीन का एहतजाज अब 9 दिन मुकम्मल कर चुका है। राष्ट्र प्रभुत्वम आउटसोर्सिंग పద్ధతిలో స్టాఫ్ నర్సులు రిక్రూట్‌మెంట్ చేసుకొని కొనసాగిస్తా ఉన్నది। ఇటువంటి పరిస్థితిలో వీళ్ళందర్ని కూడా కొనసాగించాలని చెప్పేసి అందరూ అనుకున్నాం, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే వాళ్ళు ఉన్న ఊహించిన విధంగా వీళ్ళందరూ తొలగించిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం। 1640 మందిని కొనసాగించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నారు। నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంగా గత 9 రోజులుగా ఈరోజు అందరూ నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు। ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులు కూడా తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు। కాబట్టి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకంటే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వారి పరిధిలో ఉంది కాబట్టి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని తక్షణమే వీళ్ళందరూ సర్దుబాటు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది। అప్పుడు మమ్మల్ని ఎంత దయ చూపించారంటే మా మీద కరోనా వారియర్స్ అని చెప్పేసి మాకు పూల వర్షాలు కురిపించి మమ్మల్ని ఎంతో ఆకాశం ఎత్తుకు ఎత్తేసిన ప్రభుత్వం ఈ రోజున మమ్మల్ని రోడ్డు మీద పడేసిందండి। ఎందుకంటే మేము మా అవసరం ఇప్పుడు తీరిపోయింది, ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు మా అవసరం లేదు, మా సేవలు అవసరం లేదు కాబట్టి మేము రోడ్ల మీదకి వచ్చినామండి। ఈ రోజున మాకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం। ఎందుకంటే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా మా కుటుంబం వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహించి మీరు ఈ వృత్తిలో ఉన్నందుకు మీరు ప్రజలకు కొంచెమైనా సహాయం చేయాలని చెప్పేసి మా తల్లిదండ్రులు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళ భర్తలు కానీ పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి మమ్మల్ని జాబ్ చేయడానికి ఎంతో ప్రోత్సహించి పంపించారు। మేము కూడా అదే ఉత్సాహంతో పనిచేసినాం కరోనా టైంలో। ఎందుకనంటే ఇంత కష్టకాలంలో మేము పనిచేస్తున్నాం, ప్రభుత్వం రేపు పొద్దున మా మీద దయచలచి మాకు ఏదైనా సహాయం చేయకపోతుందా, మా ఉద్యోగాలను మాకు ఇవ్వకపోతుందా అని మేము ఎంతో ఆశతో పనిచేసినామండి। दौलत नौजवानों को मुलाजमत फ्राहम करने का वादा करने वाली रियासती टीआरएस हुकूमत ने नौजवानों से धोखा किया है। अब तक एक भी नौजवान को मुलाजमत फ्राहम नहीं की गई और न ही बेरोजगारी अनाउंस जारी किया गया। बीजेवाईएम कायदीन का बयान। बीजेवाईएम की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के घेराव की कोशिश, पुलिस और बीजेवाईएम में तनाव का माहौल देखा गया। जिला बीजेवाईएम की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने और मखलुआ सरकारी जायदादों को पुर करने और बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस देने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। बीजेवाईएम ने यह घेराव की कोशिश उस वक्त की जब प्रगति भवन में एक अहम इजलास जारी था जिसमें जिला कलेक्टर के अलावा MP डी अरविंद भी शरीक थे। घेराव की इस कोशिश के दरमियान पुलिस और बीजेवाईएम के कारकुनों के दरमियान तनाव का माहौल बन गया था और तसादुम का खदशा लाहक हो चुका था। लेकिन जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी और MP डी अरविंद ने एहतजाजी कायदीन से मुलाकात की और इनकी दरख्वास्त की समाअत की और हुकूमत तक इस बात को पहुंचाने का तयक्कुन दिया। MP डी अरविंद ने भी इस मसले पर आवाज उठाने की हामी भरी। इस मौके पर BJYM के जिला सदर राजशेखर रेड्डी और रियासती सेक्रेटरी प्रसाद पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने 2018 के इंतखाबात के मौके पर रियासत के 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने का वादा किया था और साथ ही मुलाजमत की फराहमी तक बेरोजगार नौजवानों को महाना 3,500 रुपये बेरोजगारी अलाउंस फराहम करने का भी तयक्कुन दिया था। मगर अब तक ना तो नौजवानों को एक भी मुलाजमत दी गई है और ना ही बेरोजगारी अलाउंस के नाम पर 1 रुपया जारी किया गया। इस तरह रियासती हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखाधही की और इनके जज्बात से खिलवाड़ किया है, जिसके खिलाफ BJYM रियासत गिर सतह पर जबरदस्त एहतजाजी मुहिम चलाएगी। इन कायदीन ने कहा कि जल्द ही रियासत अवाम बिलखसूस नौजवान इस हुकूमत को इख्तदार से बेदखल कर देंगे और अवाम को धोखादही करने वाली हुकूमत से निजात मिलेगी। इस एहतजाजी धरने में BJYM कायदीन सुधीर, सिद्धार्थ रेड्डी, महेश प्रताप के अलावा सिटी BJYM सदर चिरंजीवी के अलावा दिगर शरीक थे। इन्नाक मोन्ना कोंडल अने व्यक्ति वनपर्ति जिला सुनील नायक निरुद्योग वृत्ति जॉबल आत्महत्या కేసీఆర్ కల్వకుంట ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి BJYM ఇచ్చేస్తుంది। కేసీఆర్ గమనించాలా, ఫామ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించిన ఆవేదనను చూడు ఏ రకంగా ఉందో। చాలామంది ఉద్యోగాలు లేక రోడ్ల పడ్డ పరిస్థితి ఉంది। ఇకనైనా మేలుకో కేసీఆర్ నిరుద్యోగ నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పినావు, కొలువులు ఇస్తానో ఎలక్షన్ వచ్చేసరికి దుబ్బాక ఎలక్షన్లో రఘునందన్ ఎలక్షన్ చెప్పినావు, ఇక త్వరలో 50,000 నోటిఫికేషన్ టీఆర్ఎస్ తరఫున కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు తెలంగాణలో ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తుంది మన తెలంగాణ ఆస్తి అని చిలక పలుకులు పలికిండు। తర్వాత రెండోసారి ఎలక్షన్లలో ప్రతి డిగ్రీ చదివిన యువకుడికి 3,016 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని పలికిండు।
ఆ రకంగా ఇప్పటివరకు 31 నెలలు గడిచినా 93496 రూపాయలు డిగ్రీ చదివిన ప్రతి యువకుడికి కేసీఆర్ బాకీ ఉన్నాడు. అట్టి బాకీని చెల్లించాలి. మరియు నిరుద్యోగ భృతి నెలకు 3016 రూపాయలు డిగ్రీ చదివిన ప్రతి యువకుడికి ఇవ్వాలి. అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న 250,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలి. కానీ ఈ భర్తీ చేయకుండా కరోనా సమయంలో అష్ట కష్టాలు పడి మన ప్రాణాలు కాపాడిన నర్సులను 16,000 మందిని తొలగించడం జరిగింది. ఇది సభ్యత కాదు. కేసీఆర్ గారు మన అవసరానికి యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళని తొక్కడం పద్ధతి కాదు. అలాగే మొన్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మినిస్టర్ గారు ఒక ఎంపీడీఓని ఆడమ్మాయిని పట్టుకొని ఏ రకంగా మాట్లాడో మనం అందరం న్యూస్లలో చూసాం. ఒక పద్ధతిగా ఉండడం నేర్చుకుంటే మంచిది. అహంకారంతో అధికార గర్వంతో ఆ రోజు ఎర్రబల్లి పలికిన పలుకులకు పాలకుర్తులో బీజేపీ ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పి అతన్ని ఓట్లను లాగేసి ఖచ్చితంగా అతన్ని గంగపాలు చేస్తామని ఈరోజు మేము తెలియజేసుకుంటాం. అలాగే మాకు ఇవ్వాల్సిన ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగ భృతి చెల్లకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రగతి భవన్ ని ముట్టడిస్తామని ఈ మీడియా ముఖ్యంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है. हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा. एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है. एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार घने लांबे और मजबूत बनाता है. बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से नजात दिलाता है. साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है. एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है. साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त. इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है. मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी अकब मस्जिद कचियान मारवाड़ी गली निजामाबाद. कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502. खलब शहर निजामाबाद के अखिलती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है. हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी वरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड की सहूलत के साथ एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3 ऑपरेशन थिएटर माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है. गायनेकोलॉजिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन जेरिलॉजिस्ट थायराइड किडनी स्टोन जनरल सर्जन खवातीन के अमराज के माहिर बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है. जदीद वसरी तिब्बी आला से लेस लैब एक्सरे अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. पता याद रखिए जेड प्लस बिल्डिंग किला रोड निजामाबाद. हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर. SBI बैंक गन फाउंड्री के एक सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को 2 गोलियां मारी. जख्मी को एक खान की दवाखाने से रुजू किया गया. ACP आइबिट्स पुलिस के वेंकट ने बताया कि मामूली सी मुसलसिल छेड़छाड़ इस हमले की वजह है. पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है. गन फाउंड्री हैदराबाद में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार कर जख्मी कर दिया. इस फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलते ही ACP एबिट्स पुलिस के वेंकट पुलिस की भारी जमीयत के साथ वहां पहुंचे और इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की. उन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि सरदार खान नामी सिक्योरिटी गार्ड्स मशहूर बैंक में गुज़िश्ता 9 सालों से खिदमत अंजाम देता रहा है. उसका साथी सिक्योरिटी गार्ड सुरेंद्र भी गुज़िश्ता 7 सालों से इस बैंक में खिदमत अंजाम दे रहा है. दोनों में अच्छे मरासिम थे मगर आज सरदार खान ने सुरेंद्र पर फायरिंग कर दी और इसको 2 गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया. पुलिस की पूछताछ पर सरदार खान ने बताया कि सुरेंद्र हमेशा ही उससे मजाक किया करता था और उस दरमियान वो मुख्तलिफ नामों से इसको चिढ़ाया भी करता था. इस तरह की हरकतों से वो सख्त नाला था और कई मरतबा उसने सुरेंद्र को रवैया तर्क करने की हिदायत दी और इंतबाह भी दिया था मगर सुरेंद्र उसके साथ छेड़छाड़ जारी रखे हुए था. आज भी सुरेंद्र उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था जिस पर वो बरहमी का शिकार हो गया और उसने अपनी बंदूक से सुरेंद्र पर 2 गोलियां चला दी. शदीद जख्मी सुरेंद्र को बैंक के अमले ने एक कार के जरिए एक खान की दवाखाने में शरीक करवाया.
पुलिस के मुताबिक अभी सुरेंद्र की हालत खतरे से बाहर है, मगर आगे से कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। एसीपी ने कहा कि पुलिस इस मामले की मजीद बारीकबीनी से तहकीकात करेगी। सरदार खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। एसबीआई बैंक ब्रांच में एक फायर इंसिडेंट हुआ बोल के बल्कि वो इंफॉर्मेशन में हम आए, यहाँ आने का बाद थोड़ा इंक्वायरी करेगा। एक सरदार खान यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, 9 साल से काम कर रहा है पूरा ये सरदार खान, और एक आदमी यहाँ एक सुरेंद्र बोल के आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय, दोनों बीच में ये चिटर है, क्या बोलते हैं उसको, उनके बना इसे के ऊपर बहुत मरतबा इनको समझाए, अरे नकोरे मेरे को मत छिड़ा रहा हूँ छिड़ा बोल के इनको समझाए। आज क्या हुआ वो टाइम पे मैं मालूम नहीं है, उसी बात पे तेलंगाना उर्दू एकेडमी का एक अहम व बामकसद ठोस कदम, उर्दू सहाफियों के लिए 5 रोजा खुसूसी वर्कशॉप का अहतमाम, जिसका मकसद उर्दू सहाफियों को सहाफती इकदार से वाकिफ करवाना और इनकी जिम्मेदारियों की अहमियत को उजागर करना है। डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने सहाफियों से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू मस्कन मुगलपुरा में उर्दू सहाफियों के लिए मुनक्किदा 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। इसके इफ्तिताही प्रोग्राम में सदर नशीन उर्दू मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद उर्दू सहाफियों को सहाफती इकदार और उसकी जिम्मेदारियों से आगाह करना है और सहाफती मियार को बुलंद करना है और सहाफियों की खिदमत को समाज व मुआशरे के लिए कैसे सूदमंद बनाया जाए बताना है। इसके लिए मुल्क के मायानाज माहिर सहाफत हजरात की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है, जो ऑनलाइन लेक्चर के जरिए सहाफियों को सहाफती इकदार व मियार के ताल्लुक से बशऊर करेंगे और इनकी जिम्मेदारियों की अहमियत को उजागर करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद गौस ने कहा कि तमाम लेक्चरर्स का ऑनलाइन नशर करने का इंतजाम किया गया है। सहाफी अहबाब फेसबुक पर इस लेक्चर की राह समाप्त कर सकते हैं और जूम ऐप के जरिए इस लेक्चर से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफी उर्दू के फरोग व तरक्की में अहम माविन होता है, लिहाजा उर्दू एकेडमी तेलंगाना ने उर्दू की तरक्की व तरवीज के जिम्मन में एक कदम बढ़ाया है और उर्दू सहाफियों के लिए 5 रोजा वर्कशॉप का अहतमाम किया गया, जिससे मुल्क के तमाम उर्दू सहाफी इस्तेफादा कर सकते हैं। वर्कशॉप 17 तारीख तक चलेगा। जुमला इसके 10 ऑनलाइन सेशंस होंगे, जिसको जूम पर रास तौर पर लाइव दिखाया जा रहा है। लोगों को पासवर्ड्स दिए गए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 10 तारीख तक, और इसको हमारे उर्दू एकेडमी के फेसबुक के पेज पर लाइव दिया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से लोग सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू सहाफ़ियों के लिए ये अपनी शख्सियत को, अपने पेशे को, अपनी सलाहियतों को निखारने का एक अच्छा मौका है। अगर ये अपने पेशे के अंदर निखार पैदा करेंगे, अपनी काबिलियतों में निखार पैदा करेंगे, तो यकीनन ये सेहतमंद मसाबिकत न सिर्फ उनकी अपने मालूमात अपने इल्म के अंदर इजाफे का बाज बनेगी, बल्कि ये जिस जगह वो काम कर रहे हैं, जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह न सिर्फ सहाफती इकदार को फ़ायदा होगा बल्कि उस क्वालिटी और मेयार में भी इजाफा होगा जिसको वॉइस ऑफ वॉइसलेस कहा जाता है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन, कोरोना का तीसरा मरहला खतरनाक हो सकता है। मरकजी हुकूमत चौकस है और एहतियाती इंतजाम मुकम्मल है। अद्वियात व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, जिला कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा इजलास में MPT अरविंद का बयान। रियासती हुकूमत 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम। अपने इंतखाबी वादे को पूरा न करने वाली हुकूमत को इख्तदार पर फायज रहने का कोई हक नहीं, BJYM का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। थोड़ी देर की बारिश से ही नशेबी इलाके के अलावा बोधन रोड पर पानी का भारी जखीरा। अहम तरीन मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक में भारी खलल, अवाम मुश्किलात का शिकार। मुस्तकिल हल ढूंढने ताहिर बिन हंदाम का हुक्काम से मुतालबा। SBI गन फाउंड्री में फायरिंग का वाकया, एक शख्स शदीद जख्मी। बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे पर फायर कर दिए। मजाक में एक संगीन वाकया पेश आया, पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। तो ये थी खबरों की तफसील, मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।